हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण को लेकर। सिंधिया जी एक सभा में पहुंचे थे, वहां पे अतिथि शिक्षकों ने नारेबाजी की और सिंधिया जी से बोला है कि अतिथि शिक्षकों से जो वादा किया था उसे निभाए सिंधिया जी। ठीक है, करणी सेना ने भी अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि जिस तरह से 8 जनवरी की में आंदोलन किया था, इस तरह से पूरे प्रदेश भरे में फिर से आंदोलन करेंगे अगर अतिथि शिक्षकों की मांगे जल्द नहीं मानी गई तो। ठीक है, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया करणी सेना के द्वारा और सिंधिया जी से अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि अपना वादा निभाओ और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करो। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक फिर से रैली निकाल रहे, आंदोलन कर रहे और नियमितीकरण की मांग कर रहे। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी अपडेट पाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अतिथि शिक्षक की मांग अगर पूरी गई तो करणी सेना परिवार इनके ढाल बनकर इनके साथ खड़ा रहेगा, इनके कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ खड़ा रहेगा। सरकार को जल्दी से जल्द मांगना चाहिए, जो आंदोलन हुआ था अगर सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी, ये भी हमारे भाई हैं, धरने पर बैठे हैं, अगर इनकी मांग नहीं मानी तो जो पूर्व में 8 जनवरी को आंदोलन हुआ था वह आंदोलन हमें यहाँ फिर से करना पड़ेगा हमारे भाई। नहीं चलेगी शिवराज तेरी तानाशाही।